देश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक शहर चंडीगढ़, जो अपनी ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्व रखता है। इंडिया में इसे काफ़ी प्लान करके बसाया गया था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का ड्रीम सिटी है, जिसकी प्लानिंग का जिम्मा फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बुज़िएर को दिया गया। शहर में माँ चंडी का मंदिर होने के कारण इस शहर का नाम चंडीगढ़ रखा गया। चंडीगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में चंडी मंदिर, मानसा देवी मंदिर, रॉक गार्डन, पिंजौर गार्डन, रोज गार्डन, डॉल म्यूजियम और सुखना लेक शामिल हैं। हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित शहर चंडीगढ़, जहां पांडवों ने अज्ञातवास में एक साल यहीं गुजारा था। दोस्तों, अभी हम हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और आज की यात्रा की शुरुआत हो रही है चंडीगढ़ के लिए। आज का सफ़र काफ़ी रोचक होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं चंडीगढ़ का मशहूर एलांटे मॉल और सुखना लेक। ब्लैक स्टोन द्वारा फंडेड नेक्सस मॉल ने एलांटे मॉल को 2200 करोड़ में खरीदा है। 20 एकड़ में फैला ये मॉल चंडीगढ़ की हॉट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है। मॉल के साथ साथ हयात रेजेंसी होटल, बिजनेस पार्क भी साथ में है। इस मॉल में 235 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ब्रांड अवेलेबल हैं, जिसमें इंडिया का किड्स ब्रांड वन फ्राइडे का ब्यूटीफुल स्टोर भी है। तो आज चंडीगढ़ के रेड फॉक्स होटल में स्टे कर रहा हूँ। दोस्तों, फाइनली हम चंडीगढ़ के होटल में पहुँच चुके हैं और काफ़ी थक चुका हूँ, तो आज आराम करेंगे और कल सुबह सुबह इन द मॉर्निंग आपको ले चलते हैं सुखना लेक और उसके बाद हम चलेंगे रॉक गार्डन। वैसे तो मेरे दोस्त ने इस होटल को रेकमेंड किया था और उसके रेकमेंडेशन में इस होटल का फूड काफ़ी लजीज है, तो आइए सबसे पहले ट्राई करते हैं। वैसे तो खाने में काफ़ी ऑप्शन है। मगर पहले चिकन सूप से शुरुआत करते हैं। नाइस। तो आइसक्रीम एंजॉय करने के बाद मिलते हैं सुबह सुखना लेक। आज के ब्लॉग में मेरे सहयोगी मित्र नकुल के साथ सुखना लेक जॉगिंग करने के लिए पहुंचा, पर आपको थोड़ी देर पीछे ले चलते हैं और सनराइज का खूबसूरत नज़ारा दिखा। सुखना लेक 1958 में सुखना चोई पे बांध बनाकर बनाया गया। 3 किलोमीटर के एरिया में फैला ये कृत्रिम लेक वेल मेंटेन्ड है और व्यू काफ़ी सुकून देने वाला है। यहाँ बोटिंग और शिकारा राइड का भी मज़ा ले सकते हैं। ले कार्बुज़िएर चाहते थे कि सुखना लेक में प्रदूषण रहित नौकाओं का उपयोग किया जाए, तो उनके असिस्टेंट पियरे जिनरनेट ने पैडल वाली बोट डिज़ाइन किया और इंडिया में पहली बार सुखना लेक में उसकी ट्रायल किया गया था। सुबह में लोग जॉगिंग करने आते हैं और सनराइज़ का मज़ा लेने आते हैं। टूरिस्ट यहाँ आकर कभी निराश नहीं हो सकते, ये तो मेरा दावा है। सुखना लेक का पानी साफ और प्रदूषण रहित लेक है। सुबह में चलने वाली हवाएं मन को शांत और दिल को सुकून देती है।
वाटर स्पोर्ट में से एक डोंगी बोट स्पोर्ट्स राइड। इसको तो देख के मन गदगद हो गया, सोचो ये एक्टिविटी करने में कितना मज़ा आता। जी तो करता है यहीं घर ले लें और सुबह शाम यहीं आया करूं। और इसके किनारे बैठने पर समंदर वाली फील आती है। आप ये मोर की आवाज़ सुन रहे हैं? सुखना लेक की एवरेज डेप्थ 8 फीट है और मैक्सिमम डेप्थ 16 फीट है। तो सुखना लेक एक आर्टिफिशियल झील है जिसको बड़े खूबसूरती से बनाया गया है और इस शिवालिक की पहाड़ियों के भी जस्ट इसके पीछे ही है। ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं। ये पीपल का पेड़ 150 साल पुराना है और 150 साल से ये ऐसे खड़ा है, इतनी खूबसूरती निखार रहा है। डेढ़ सौ साल पुराना ये पीपल का पेड़ है और लगभग 75 फुट ऊंची और 20 फुट चौड़ी है और ये सुखना झील की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। ये जो टावर देख रहे हैं ये पानी की गहराई मापने के लिए बनाया गया है, पर आजकल इसे 100 टावर भी कहने लगे हैं क्योंकि कुछ लोग इस टावर से कूदकर अपनी जान दे चुके हैं। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं अपने सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ, ज़िंदगी एक बार मिलती है उसे खुल के जियो, इसे ऐसे व्यर्थ ना करो। बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी में यहाँ काफ़ी ऑप्शन है। अगर पूरा बोट 1 घंटे के लिए बुकिंग करना चाहते हैं 10,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी यहाँ होते हैं। और ये जो क्रूज चलने वाला है ये सोलर बोट है, 300 पर पर्सन। वैसे सुखना लेक में शाम को खाने के काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ कई छोटे बड़े रेस्टोरेंट हैं और सस्ते भी हैं जो आपके बजट में फिट हो जाएंगे। शाम होते ही यहाँ काफ़ी चहल पहल हो जाती है। ब्लॉग समाप्त होता है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी पता चले कि चंडीगढ़ में कुछ खास है।